हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम टोफू या सोया पनीर से हाई प्रोटीन सैंडविच की रेसिपी बनाएंगे, साथ में हरी चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। जार में डालेंगे आधा कप पुदीना, आधा कप हरा धनिया, चार छोटी हरी मिर्च, ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, आधा इंच अदरक, 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून बारीक सेव, 2 टेबलस्पून फ्रेश दही, 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नींबू का रस। अब हम इसे पीस लेंगे। चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को आप एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में एक महीने तक रखकर आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम सैंडविच के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। बाउल में लेंगे 4 टेबलस्पून फ्रेश दही, दही हमें खट्टा नहीं लेना है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 2 पिंच काला नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 टीस्पून सरसों का तेल, 1 टीस्पून हरी चटनी जो हमने बनाई है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम सोया पनीर। सोया पनीर को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद अब हम सैंडविच बनाएंगे। ब्रेड की स्लाइस को इस प्रकार से ग्लास या कटोरी की मदद से काट लेंगे। जितने सैंडविच हमें बनाना है उतनी ही ब्रेड को हम इस प्रकार से काटेंगे। अब हम ब्रेड की स्लाइस पर चटनी अप्लाई करेंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम कटी हुई ब्रेड की स्लाइस को इस पर सेट करेंगे और अब हम बीच में मैरिनेट किया हुआ टोफू डालेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेट करेंगे। ऊपर से ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। आपके पास जो भी चीज़ घर में अवेलेबल हो आप इस पर डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और इसी प्रकार से बाकी के सैंडविच को बनाकर तैयार करेंगे। साइड में थोड़ा थोड़ा सा मेल्टेड बटर लगाएंगे और अब हम इसे ग्रिल करेंगे। आप इसे पेन या ओवन किसी में भी ग्रिल कर सकते हैं, तो हम दोनों प्रकार से इसे ग्रिल करेंगे। ओवन में हम इसे 180 डिग्री पर 3 से 4 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे। पेन में लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए इसे ढककर ग्रिल करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद सैंडविच बनकर तैयार है। सैंडविच को आप हरी चटनी के साथ सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।